गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक्सरसाइज 8.1 और ये आज एक्सरसाइज आप लोगों की खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसके इम्पोर्टेंट ले रहे थे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x, y² = 9x, यानी हमें उस पार्ट का एरिया निकालना है, उस पार्ट के घिरे हुए पार्ट का क्षेत्रफल का यानी उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल का एरिया निकालना है जो y² = 4x हो, y एक्सिस हो और लाइन कैसी हो, y² = 3। यानी तीन चीजें हो रही है। तो एक अगर फिगर बना ले तो क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम इसका फिगर बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाए, एक्सेस बना दे। ये हमने एक्सेस बनाया, ठीक है, ये एक्सेस हो गया। अब हम लोग क्या करें, जब ये एक्सेस हमने बना लिया तो y² = 4x ये इधर कैसे बनता, y² = 4x इसका जो फिगर बनेगा वो ऐसे ही तो बनेगा, ये फिगर बनेगा y² = 4x का। ठीक, ये किसका फिगर बना है, ये बना है y² = 4x का। ठीक, अच्छा फिर इन्होंने कहा कि y एक्सेस, तो अगर हम y एक्सेस की बात करें तो हमारा ये y एक्सेस तो ये है भाई, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सीधी भी कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक, तो y एक्सेस तो ये हो गया एंड 9y = 3। y देखिए y² = 4x ये हो गया, y एक्सेस ये हो गया एंड 9y = 3 की बात करें तो देखिए y² = 3 कहाँ आएगा, देखिए यहाँ तो 0 होता है ना, और 3 तो हम y में 3 चल रहा है तो ऊपर चलेंगे, कहाँ चलेंगे, 3। तो ये मान लीजिए आपने 1 चला, ये 2 चले और ये आपके 3 चले, तो यहाँ पे आ जाएगा y² = 3। क्लियर है, तो अगर y² = 3 की लाइन अगर आप देखें तो ये आपकी बनेगी, ये ऐसे ऐसे ही तो बनेगी। ठीक है, ये किस तरह की लाइन है, y² = 3 की लाइन है। फिर से देखिए y² = 4x का फिगर बनाया, y एक्सेस की अगर हम लोग बात करें तो y एक्सेस तो ये है, ये पार्ट है, देखो ये x है, ये जो देख रहे हैं ये ऊपर वाली लाइन y एक्सेस हो गया और लाइन y² = 3 की, तो यहाँ तो 0 होता है, वन यहाँ मान लेते 2 और 3, तो y² = 3 ये लाइन बन गई। तो अब हमने देखा कि ये पार्ट जो आ रहा है यही पार्ट का एरिया है जो हमें इन तीनों पार्ट से घिरा हुआ है, यही तीनों पार्ट से घिरा हुआ है कि नहीं, तो यानी इस पार्ट का हमें एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड ऑफ द शेडेड डिजाइन यानी छायांकित भाग का क्षेत्र, छायांकित भाग का क्षेत्र निकालना है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं। अच्छा y² = 3 हमें पता ही है यहाँ पर, ठीक है ना, ओके आप ये देखिए यहाँ पर O डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं आप A डाल दीजिए, यहाँ D डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए सबसे पहले ये जो y² = जो 4x है इसमें y की वैल्यू निकाल दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी √4x, यही आएगी, या इसमें y की वैल्यू है तो y की मत निकालिए, x की निकाल दीजिए और भी अच्छा रहेगा, ये निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसको इक्वेशन बनवा लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां लिखिए एक चीज और नहीं करते हैं, 0 यहाँ है, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है सही। ठीक, तो यहाँ लिखिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन किसका, OABO x। देखिए जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो एरिया हमें दो तरीके से बताया था, एक बताया था कि y dx से भी निकाल सकते हैं और एक हमने बताया था s dy, y dx से भी निकाल सकते हैं और s dy से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हमें x की वैल्यू पता होती है तो ये अलग लगा देते हैं, लेकिन जब अगर हमें y की वैल्यू पता है तो ये लगा देंगे, तो हमें y की वैल्यू पता है ये अलग लगा देंगे, इसीलिए हमने ये रखा और इसीलिए देखिए हमने x की वैल्यू निकाली, अभी जब हम लोग y की वैल्यू निकालते थे लेकिन ठीक है क्योंकि हम जब ये अप्लाई करें तो हमें y की वैल्यू पता है यहाँ पर और x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, ठीक, तो ये अलग अप्लाई करेंगे।
इतना क्लियर हो गया। चलिए अगर इतना क्लियर हो गया फिर से देख लीजिए क्या हमने किया। y² = 4x एक कर्व है, y एक्सिस को आप जानते हैं ये होता है एंड लाइन y² = 3 तो 0 यहाँ का 1, 2, 3 तो y² = 3 की लाइन ये हमारी निकली। तो हमने देखा कि ये वाला पार्ट हमारा छायांकित आ रहा है यानी ये वाला पार्ट हमारा शेडेड पार्ट आ रहा है जिसका एरिया निकालना है। तो हमने वही लिख लिया एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन OABOS2y लिमिट अभी हम लगा देंगे। और रही बात इसकी, इसमें तुमने कुछ किया नहीं, y² = 4x था, इसमें x की वैल्यू निकाली y² = 4। अब हम वैल्यू रख देते हैं, जरा x की वैल्यू निकाली y² / 4। ठीक, अब बात आती है लिमिट की, तो लिमिट देख लीजिए। देखिए अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट भी आराम से आ जाएगी। देखिए अगर ये y² = 3 है तो ये वाली लाइन किसकी होगी, y² = 0 की तो होगी। देखिए अगर हम बात करें तो ये y² = 0, ये देखिए, ये देखिए यहाँ 0, ये 1, ये 2, 3। अगर आपसे पूछे y² = 2 कहाँ होगी तो यहाँ होगी, y² = 1 क्या होगी यहाँ होगी, y² = 0 कहाँ होगी यहाँ होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि y की जो लोअर लिमिट क्या होगी 0 होगी। ठीक है, y की जो लोअर लिमिट 0 होगी और अपर लिमिट कितनी होगी, ठीक यही आपको रखना है। तो 0 से 3 आपको रखना है। अब इसमें 1/4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, तो 0 से 3 y² dy² हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया 1/4। अब आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, y³/3 से इतना हो गया, बाकी पार्ट इधर कर लेते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए। तो यहाँ पर वही है एरिया ऑफ द शेड, शेडेडिजन कौन सा, ओ ए बी, ये मैंने वही लाइन लिखी। तो ये कितना आ गया, देखिए ये 3 बाहर कर दीजिए, जिसकी कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए तो 1/12 हो जाएगा, भाई 4 + 12 तो कितना आ जाएगा y³ कुछ नहीं गया, इतनी कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया तो 4 + 12 हो गया 1/12। अब अपर लिमिट लगाइए 3 का³ और लोअर लिमिट, तो 1/12 3 का³ कितना होता है 27, ये कितना होता है 0, यानी 1/27 1/12 × 27। अगर हम इसको 3 से कैंसिल कर दें तो 3 × 3 = 4 = 12, 3 × 9 = 27 कितना आ जाएगा 9/4 यही तो आएगा, 3 × 4 = 12 और 3 × 9 = 27। तो यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा आपका इस पार्ट का जो एरिया आपका आ गया, ये जो हमने पार्ट का एरिया निकाला वो क्या निकाला 9/4। कुछ हमने नहीं किया, y² = 4x था, x की वैल्यू निकाली y² = 4, ये बात हो गई। फिर हमने एरिया इस बार x2y वाला निकाला, ठीक, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाली है। बात x की वाली नहीं है, वो तो y में निकाल सकते थे, लेकिन हमें वैल्यू इसकी जो पता है y की पता है, y² = 3 पता है और लोअर लिमिट जो हो जाएगी इसकी y² = 0 यहाँ होगी। ठीक, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, तो लोअर लिमिट इसकी 0 होगी, अपर लिमिट क्या होगी 3 हो जाएगी, तो 0 3 हो गई, x dy लगा दी, x की वैल्यू रख दी, इंटीग्रेशन हमने बताया थी 1/4 बाहर हो गया, 0 से 3 y² dy, y² का क्या इंटीग्रेशन होता है y³/3, ये 3 बाहर कर दिया, देखिए हमने 4 + 3 = 12 हो गया, y³ = 0 अपर लिमिट रखी लोअर लिमिट, 3 का³ - 0 का³, 3 का³ कितना 27 0, तो 1/12 × 27 3 से कैंसिल किया 3 × 12 3 × 9 = 27, तो 9/4 इसका। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, 8.2 8.1 काफी हो गया, फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी हम बता देंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।